स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 1992 को सायंकाल लगभग 7:30 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदोत्तमाय कृष्ण गीता नम वसुदेव सुतम देव कंश कामूर मर्दन देवकी परमानंदम कृष्ण विभूषित करीतांबरा समाधि सहज समाधि। हाँ, सहज समाधि का स्वरूप क्या है तथा इसकी पहचान कैसे करें? दूसरा प्रश्न है स्वरूप में स्थित होने की पहचान क्या है? तीसरा है संसार में रहने का तरीका बताएं जिसमें जीवन निर्वाह के साथ परमार्थ भी सद हो जाए। नारायण 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 नारायण। जैसे स्वाभाविक हमारी स्थिति है स्वाभाविक ऐसी समाधि सहज समाधि है। उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठ शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमाधमा। उत्तमा सहजावस्था सहजावस्था और सबसे उत्तम है स्वाभाविक है सतह सिद्ध है कुछ न करना है उसमें वो सहज अवस्था है स्वाभाविक। तो स्वाभाविक सहजावस्था जब बालक होता है ना उसका स्वाभाविक काम होता है उसमें दोष गुण दोष यथार्थ का दोष बुद्धि हो हयासी तो नीषादे बुद्धिया तथा न करो थी यथार्थ का। जैसे छोटा बालक है तो घुटनों के बाद चलते जाते जाते यूं चल सकता यूं चलने लग गया यूं चलने लग गया तो यूं चलने लग गया तो कोई इस तरफ से द्वेष नहीं है इधर कोई राग नहीं है स्वाभाविक ऐसे चलते यूं चलने लग गया। उनकी प्रवृत्ति राग द्वेष नहीं है ऐसे राग द्वेष रहित स्वतः शांति है वो सहज अवस्था है। साधु सहज समाधि भागी कबीर साहब ने कहा सहज समाधि सहज हमारे सहज का सहज किया विश्राम आदिया जीव जीव का एक नाथ विठाम। सहज स्वरूप है ये प्रकृति के साथ संबंध है ये सहज नहीं है ये कृत्रिम है ये बनावटी है और सहज अपने स्वरूप में स्थिति वो सहज अवस्था है स्वाभाविक अपने आप स्वरूप में स्थिति वो सहज समाधि कहते हैं। मानो कोई परिश्रम नहीं कोई उद्योग नहीं कोई श्रवण मनन विद्यासन ध्यान समाधि ये नहीं स्वाभाविक सहज किसी से कोई संबंध नहीं न किसी से राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है न किसी का संयोग है न किसी का वियोग है स्वाभाविक स्वतः उसमें सहज समाधि है। तो सहजावस्था स्वतः सिद्ध है स्वतः स्वाभाविक सहज क्यों ऐसा प्रकृति जल से जैसे जल है वो समुद्र से गर्म होता है प्रकृति स्वतः ठंडा हो जाता है ठंडा स्वाभाविक रहता है जैसे शीतलता उसका स्वाभाविक धर्म है
इसलिए इसकी स्वाभाविक सजा वैसा स्वाभाविक है। ये जो बात आती है ना कि उसकी प्राप्ति होने के बाद फिर मोह नहीं होता, यदि आत्मा न पुनर्मोह में श्री पांडव, तो संदेह नहीं होता उसमें, तो फिर मोह नहीं होता। कारण क्या है? एक मार्मिक बात है कि इसमें स्वतः मोह नहीं है, स्वाभाविक मैं हूँ अपनी सत्ता है, वो स्वतः सिद्ध सत्ता है, वो स्वतः सिद्ध में पहुंच जाएगा तो फिर उसे मोह होने का कारण नहीं है। जहाँ प्रकृति का संबंध होता है वो सहज नहीं है, वो कृत्रिम है। बात ये हो गई कि प्रकृति के साथ संबंध, शरीर के साथ संबंध, ये सहज मालूम देने लग गया, स्वाभाविक मालूम देने लग गया। है तो ये कृत्रिम बनावटी, परंतु तादाद में करने के कारण से सहज हो गया, स्वाभाविक दिखने लग गया। स्वाभाविक है नहीं, स्वाभाविक संबंध नहीं सही स्वतः, तो वो संबंध स्वतः सिद्ध सत्ता है। उसकी प्राप्ति होने पर फिर भी से मोह नहीं होगा, क्यों? मोह का कारण नहीं है कोई। बड़ी सीधी बात है, बड़ी बढ़िया बात है। सहज अवस्था स्वतः स्वाभाविक, तो जिसके जानने पर फिर मोह नहीं होता। कारण क्या है? वो पहले से है। मैंने बहुत बार ये बात कही है कि पारमार्थिक उन्नति है वो और सांसारिक उन्नति, उसे बड़ा अंतर है। सांसारिक उन्नति में करना पड़ता है, करने की मुख्यता है, क्यों? वो पैदा होता और परमात्मा तत्व है वो स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक है वो, तो ये करना पड़ा स्वाभाविक हो गया। जैसे झूठे बोलते झूठ बोलने की आदत हो गई, राग द्वेष करने की आदत पड़ गई, तो ये आदत स्वाभाविक जीवती है, ये स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक तो निर्विकार निर्वीर स्वतः सिद्ध सत्ता है। स्वाभाविक है तो स्वाभाविक नहीं प्राप्त होंगे, उसमें मोह होने का कारण नहीं है, क्यों? सजा स्वतः सिद्ध है वो, तो नित्य प्राप्त को प्राप्त कर रहा है, और नित्य अप्राप्त है उसी हटना है। किस तरह के जो हट रहा है आपसे, संसार हट रहा है, शरीर हट रहा है, प्रकृति या प्रकृति, प्रकृति का कार्य ये स्वतः हट रहा है, निरंतर आपसे अलग हो रहा है, अलग हो रहा है उससे अलग होना है, और जिसमें आप स्थित रहते हैं उसमें स्थित रहना है, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति कर रहा है। बात थोड़ा सा ध्यान दें, क्या दूसरी बात बात शंका हो तो बोलो। देखो बड़ी मार्मिक बड़ी सीधी सबसे श्रेष्ठ बात है, आपका स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप है होनापन, सत्ता, सहज सत्ता, स्वाभाविक। ये जो जन्म मरण होते हैं ना, ये कभी किसी जोड़ी में गया, किसी बोली जोड़ी में, कभी जैसे बालक अवस्था हुई, जवान अवस्था हुई, वृद्धावस्था हुई, रोग अवस्था हुई, निरोग अवस्था हुई, धर्मवस्था, निर्धनता, विद्वत्ता, मूर्खता, ये सब बनने बनने बिगड़ने वाली अवस्था। इसमें सदा जो आपका स्वरूप है वो एक है, किसी जुड़े में जाओ, मनुष्य बनो, पशु बनो, पक्षी बनो, वृक्ष बनो, भूत प्रेत पिशाच बनो, राक्षस बनो, असुर बनो, कुछ बनो, आपका स्वरूप सत्ता रहेगा होना पर, तो होना पर में आप रहो, फिर आप मुक्त, मुक्त स्वाभाविक, तो सहज अवस्था है स्वाभाविक, तो सत्ता आपका स्वरूप है।
जो कह दी सफाई बिल्कुल स्वाभाविक सहज स्वतः सिद्ध सत्ता दीजिए। वो सत्ता आपका स्वरूप है, वो सत्ता सहज है, प्राप्त नहीं है, कृषि नहीं है, क्रिया साध्य नहीं है, प्रयत्न साध्य नहीं है, अप्रयत्न सतह है। तो सतह है जैसे अपनी एक चीज को बढ़ती है, एक चीज एक करना एक है नित्य प्राप्त की चीज लादी कहते चीज लादी पैदा होने में तो पहले नहीं से पीछे पैदा हुई है, लादी चीज लादी वो चीज पहले से सिद्ध है। इस वास्ते अर्जुन का नष्ट हो वो स्मृति लब्धा स्मृति लब्ध गई प्राप्त हो गई, मानो सहज स्वरूप की स्मृति स्वतः सिद्ध है। लादी नहीं प्राप्त करने में तो जो करना पड़ता है वो तो है पहले से। शंकर सहज स्वरूप संभाला, भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप को संभाला तो लाग समाधि अखंड पारा, अखंड पार समाधि से लग गई, सहज स्वरूप संभाला। ऐसे भाई बहन सोचते मैं हूँ अपना होनापन में क्या कृष्य में क्या बनावटी पड़ेगा, बालक हूँ जवान हूँ बूढ़ा हूँ रोगी हूँ निरोग हूँ, इसमें तो साथ में लगाया है, बालपन लगा जवान लगाई वृद्धावस्था लगाई भोग लगा निरोग था ये साथ में लगाया है, पर इनमें सब में होनापन क्या लगाया है, होनापन कुछ बनावटी है इसमें, ये होनापन अपना स्वरूप है। सीधी बात है, बड़ी सरल बात है, एकदम सच है। क्या भाई कोई बात सुन ले बताओ, शंको बड़ी सीधी बात है। अपने करने की आदत से करना स्वभाव हो गया, नहीं कष्ट क्षण भी अकर्म कर्म किए बिना क्षण भी नहीं रहता। तीन पद इसमें क्षण भी जादू और कष्ट भी, कोई भी क्षण मात्र भी बिना की कृतज्ञता नहीं। क्यों कार्य से कर्म सर्व प्रकृति 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 गुण ही अवसर प्रकृति देने गुणों से पर्वत हो गया, तो प्रकृति में है क्रिया उसके साथ अपना संबंध, तो वो क्रिया अपने में सहज हो गई स्वाभाविक ही, तो अवश्य हो गया प्रकृति परवश हो गया, तो अवश्य हो गई जन्म समर्था है। अगर अवश्य न हो स्वश हो तो मना ही नहीं। बताओ क्या शंका है, कितनी सरल है, इस बार दिखा रहे मुक्त होना ये भी बंधन है, मुक्त हो जाऊं ये बंधन है, बंधन को स्वीकार कर रहा है, बंधन को स्वीकार करो तभी तो मुक्ति की इच्छा होती है, मुक्त में मुक्ति की इच्छा थोड़ी होती है, बंधन में मुक्ति की इच्छा होती है, तो बंधन स्वीकार करना पड़ता है और मुक्त अवस्था स्वतः है। इस बार से ये मुक्त होने के बाद में बंधन नहीं होता, कि स्वाभाविक है ऐसा पहले से है जैसा हो गया, उसको सहज अवस्था कैसे, उसका नाम ही सहज समाधि। बोल भाई ख्याल आया शंका बोल जो अनुभूति है ऐसा, यो बहम रहे है कि भाई अनुभूति अभी जो चेत है जब तक अनुभूति आ रहे, बाद में समझो बेहोश होने पर ही है जो मरने पर अनुभूति। देखो बेहोश होश में आता है अहंकार, स्वयं न होश में आता है न बेहोश होता है, होश बेहोश है अहंकार की जागृति हुई तब तो होश में है, अगर अहंकार की जागृति नहीं हो तो बेहोश हो गया, तो होश बेहोश में अहम आता है, स्वयं होश में बेहोश में एक समान रहता है,
बट एक मार्मिक बात है, इसको भी विचार वहम रहता है कि कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा नहीं सब कुछ हो जाएगा, करने से एक बंधन हुआ है। मानो कुछ भी करोगे तो अहम जागृत होगा, अहम से क्रिया होगी, क्रिया होने से बंधन होगा, कुछ नहीं करने से क्या होगा, है जो रह जाएगा, और है जो रहेगा नाम ही मुक्ति है। बंधन कृत्रिम है, मुक्ति सहज है। जो वो आपका सबका अनुभव है, आप ख्याल करें, न करना स्वतः होता है, करने में भेद है, न करने में भेद नहीं है। अब बोलेंगे तो अपनी अपनी योग्यता उसको बोलेंगे, सब बरोबर नहीं बोलेंगे, पर चुप रहने में क्या भेद होगा, सब पंडित हो मूर्ख हो जानकार अनजान चुप रहते में क्या भेद होगा। तो क्रिया के अभाव में सब एक होते हैं, क्रिया करने में अलग अलग बात है। कोई वक्त भी अच्छा देता है, कोई नहीं देता है, कोई कह सकता है, कोई मामूली बात कह सकता है, उसमें भेद होंगे, तो भेद होंगे तो बनावटी होगा। और कुछ नहीं करना ये अंतिम साधन है, सब साधनों में अंतिम साधन कोई साझा उससे प्राप्ति हो जाएगी। इसमें शंका उत्पन्न होती आप करो तो खुलेगा, बहुत विषय अच्छा खुलेगा। क्रिया दिखाई न दे पर क्रिया निरंतर होती है, दिखाई बने मत जाए परंतु आप विचार देखो तो निरंतर क्रिया हो रही है। जैसे बेल होती है लता, वो बेल है वो निरंतर बढ़ रही है, बढ़ती दिखती नहीं, ऐसे 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 दिखती नहीं है, परंतु रात में दिन में सुबह शाम कभी भी उसी क्रिया बंद नहीं होती, तभी तो बड़ फैल जाती है बेल, देखती नहीं क्रिया होती है ना। बालक छोटा मार्ग गोदी में होता है उसमें हरदम ही परिवर्तन होता है, बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होता है तो पहली अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था में जाता है तो क्रिया होती है ना। फल कच्चे होता है वो पक जाता है, तो पकड़े में क्रिया होती तब तो कच्चे से पक्का होता है। जैसे नींद आती है उसमें कोई जगा दी तुम्हारी, कच्ची नींद में जगा दिया तो कच्ची नींद होने से नींद पक गई, अब पकती है तो कच्चे से पक्की होती है, तो कच्चे से पक्का पर उसमें आता है तो क्रिया होती है ना। क्रिया मालूम नींद का है पक्का का है, फल पकता है तो कच्चे से पक जाता है, पक कैसे जाता है तो क्रिया माननी पड़ेगी। ये प्रकृति क्रिया स्वतः होती है, प्रकृति को होती है, ये उस क्रिया की क्रिया से तटस्थ रहना है। क्रिया क्रिया तो अपने ज्ञान का विषय है, ज्ञान में जानने में क्रिया आती है, पदार्थ क्रिया ये दो जिसमें क्रिया मुख्य है, पदार्थ क्रिया के समूह का नाम है। मुख्य अपने को पदार्थ दिखते है, क्रिया नहीं दिखती है, परंतु मुख्य क्रिया है, पदार्थ नहीं है। पदार्थ तो क्रिया के समूह का नाम है, जो चलती है क्रिया वो पदार्थ दिखता है। पदार्थ कहाँ है, बालक से जवान होता है तो बच्चा दिखता है, परंतु उसमें क्रिया तो हो रही है, बालक कहाँ है, वो बालक एक क्षण ही नहीं है, प्रशिक्षण पर क्रिया है। ये क्रिया प्रकृति का स्वरूप है, इस क्रिया से रहित होना सहजावस्था है, अपनी सहजावस्था स्वाभाविक, इसका नाम मुक्ति है। मुक्ति होने पर फिर बंधन नहीं होता, क्यों नहीं होता, कि बंधन कृत्रिम था, बनावटी बना मिट गया, है जो रह गया, कितनी शून्य बात है। हाँ शंका बोल रहे, एक तो जो सुसुप्ति अवस्था है जिसका तो अहंकार जो अज्ञान में लीन हो जाएगा, जागृत अवस्था का मायने जो अनुभूति है वही अनुभूति है जिसकी मृत्यु अवस्था में रहेगी, वो तो अनुभूति सब समय है, वो सुसुप्ति में भी रहती है, मूर्छा में भी रहती है, समाधि में भी रहती है। देखो इसका प्रमाण क्या है कि
जैसे आप देश में जाओ, हरिद्वार जाओ, तो हरिद्वार की आ गई हो, दूसरी चीज छूट गई होता है ना। ऐसे नींद खुल गई और नींद जाग गए तो नींद मिट गई, परंतु तो आप पहले नहीं थे, अब हो गए क्या? गाढ़ नींद में आप नहीं थे और जागने पर आप हो गए, तो आपका उत्पन्न होना दिखता है क्या? सुसुप्ति मिट गई, स्वप्न मिट गया, जागृत में आ गए, तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तो आगंतुक है, पर आप स्वयं है वो आगंतुक नहीं है, वो निरंतर है। कल था वही आज मैं हूँ, ऐसे नहीं कि सुया तो मैं मिट गया था, अब भी समय मैं आ गया हूँ, ऐसा नहीं है। जागृत अवस्था पहले थी, बीच में स्वप्न आया, सुषुप्ति आई, अब जागृत हो गया, तो जागृत जागृत स्वप्न सुषुप्ति बदली, परंतु तीनों अवस्थाओं को जानने वाला बदला गया। जागृत निरंतर नहीं है, स्वप्न निरंतर नहीं है, सुषुप्ति निरंतर नहीं है, पर स्वर की सत्ता निरंतर है, अंतर नहीं पड़ता। कभी भी सत्ता का अभाव हुआ क्या? सब चीजों का अभाव है, पर स्वयं का अभाव कभी किसी को अनुभव नहीं होता, क्यों? अभाव किसी को होता ही नहीं, अभाव का अनुभव कैसे हो? जागृत में जैसे ज्ञान की जो दीप्ति होती है, तो वैसी दीप्ति तो वो क्या रहती है? सुसुप्ति नहीं रहती, नहीं ऐसी नहीं रहती, पर सुसुप्ति में मैं नहीं था ये होता है क्या? तो अपना होनापन है ना, वही स्वरूप है, वही सहज अवस्था है। अपना जो होनापन है, मैं हूँ, ये सहज अवस्था है, अपना होनापन। अब जागृत में वो स्वप्न में, इसमें होनापन के साथ में अहम मिला हुआ है, इसमें शरीर की क्रिया होती है, सुषुप्ति में अहम लीन हो जाता है, तो उसका होनापन तो स्वतः सिद्ध होता है, परंतु होश नहीं होता। होश क्या? अहंकार जागृत नहीं होता, स्वयं का होश तो होता है, नहीं तो सबके अभाव का अनुभव किसने किया? दो चीज का अभाव होता है, ऐसा सुख से सोया मेरे को कुछ पता नहीं, तो कुछ पता नहीं का तो पता होता है ना, सबके अभाव का पता संदेह तो नहीं होता है, इसमें संदेह था। जैसे स्वप्न अवस्था में जो अहंकार लीन होता है, ऐसे मृत्यु अवस्था में अहंकार लीन हो गया, अहंकार लीन हो गया, वो अहंकार में नहीं जाते, ज्यादा स्वप्न में लीन नहीं होता, सुषुप्ति में लीन होता है, सुषुप्ति में लीन होता है, तो सुषुप्ति में लीन होता है, ऐसे स्वप्न में बदलता है, ऐसे मृत्यु अवस्था में बदलता है, हम बदल जाता है। जागृत में होता है तो हम बदल गया ना, स्वप्न में था वो सुषुप्ति में था, अब सुषुप्ति नींद हो गया और स्वप्न में था वो जागृत होती बदल गया। ऐसे ही वासना यत्र स्यात् सतम स्वप्नेषु पश्यति, वासना यत्र जिसकी जहाँ वासना है स्वप्न में देखता है, स्वप्न में तो मरना ही चाहिए, स्वप्न की तरह मरना होता है। वासना तो ऊपर गया, मनुष्य का शरीर वासना है, जड़ की तो नाशवान की वासना कारण गुण संगो से सदस्योरी गुणों के साथ संबंध होता है, वो सदस्योरी के जन्म में कारण होता है, अगर वासना रहे तो स्वतः स्वरूप सिद्ध है, स्वाभाविक। स्वयं वासना रही थी तब तो वासना बदलती है, निरसन से बदल कैसे? एक वासना एक ही कैसे होगी? तो बदलने वाली है वासना सभी, सब जितना बंद संग असंगता इसका स्वरूप है, असंगो ही एव अयम पुरुष, ऐसा की सिद्ध माता है, अयम पुरुष असंग संग रही थे, इसका संग सर्वात्मा त्याज्य है। वासना रहित जो अनुभूति जागृत में है, वो ठीक जागृत में अगर अहंता से रहित हो, अपने सत्ता की अनुभूति हो जाए, तो वासना पैदा ही नहीं होगी। ध्यान देने बात बहुत मार्मिक है ये,
अपने जागृत अवस्था में अपने स्वरूप का बोध वासना रहित है, अपनी सत्ता मात्र है, सत्ता के साथ कुछ मिश्र नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो मुक्ति होगी, बस अब करना कुछ नहीं। बात में आ गया अनुभूति नहीं रहती, पर उसमें अपना स्वरूप है इसका बोध उसे ध्यान नहीं रहता, बोध रहता है बोध का ख्याल नहीं रहता। देखो कसाई से कसाई, दुष्ट से दुष्ट की और जीवन मुक्त तत्व की, जीवन मुक्त महात्मा की अवस्था एक है। दुष्ट है सज्जन, ये उनकी स्वभाव है, सत्ता भर थोड़ी है। तभी तो अनेक जन्म होते हैं, अगर सफल सफल अनेक जन्म कैसे होंगे, एक के जन्म अनेक कैसे जाएंगे। ये बदलते है, वासना बदलती है, भाव बदलता है, संग बदलता है, तो पर बदलने पर न बदलने का बोध है तो वही अनेक जन्म में जाता है तो वो थोड़ा ही बदल गया, वो बदल गया तो फिर किसे बदलने जाए नहीं, फिर बदलता ही बदलता रहेगा। पर स्वयं बदलता है ही नहीं, ऊपर के बदलने कोई बदलना मानता है। शरीर बालक से जवान हो गया तो बालक शरीर अपने को बालक मानता है, जवान से अपने अपने जवान मानता है, वृद्धा से अपने को बूढ़ा मानता है, तो मान्यता बदली है, स्वयं की सत्ता बदली है क्या अपना होना पर। तो अपने होना पर निश्चित होने का नाम मुक्ति है। और बोलो कोई बात बोलो। अवस्था का भेद नहीं रहता ऐसे जैसे, अवस्था का भेद तो, अवस्था का भेद तो अवस्था की सत्ता से होता है। अवस्था की सत्ता नहीं होती तो अवस्था का भेद कैसे होगा। अगर अवस्था की सत्ता है नहीं तो भी तो बदलती है, अगर सत्ता हो तो बदलेगी कैसे। न भाव भी देते सत्ता, सत का अभाव होता नहीं तो अवस्था का अभाव होता है, इस वास्ते अवस्था सत नहीं। अवस्था है तो जागृति में तो ऐसा अनुभूति हो रही है, स्वप्न अवस्था में तो जैसे बद्ध आदमी उसकी जो लीन अहंकार लीन हो जाता है उसमें अज्ञान में, और जीवन मुक्त जो स्वप्न अवस्था नहीं जो सुषुप्ति अवस्था है, तो उसमें क्या फर्क रहता है। उसमें फर्क देखो, एक साधारण आदमी के जागृत और सुषुप्ति ध्यान देना, तो साधारण आदमी के तो जागृत अवस्था मैं जागता हूँ और सुषुप्ति स्वप्न अवस्था में मैं जागता हूँ ऐसा दिखता है। स्वप्न जागरण में यह था, स्वप्न अवस्था रहती तब होती है जब स्वप्न अवस्था छूटती है, जागृत अवस्था आती है तब स्वप्न अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था का अनुभव होता है उसमें वर्तमान में, उसमें स्वप्न ये प्रतीत होता है जाग रहा हूँ ऐसा होता है। तो वो जागता है, परंतु वो जागना और निद्रा से जग जाना ये दो भेद है। जो भेद क्या है कि वो स्वप्न में तो जागृत मानता है और जागृत अवस्था में जागता मानता है, मैं जागृत जाग रहा हूँ, वो स्वप्न था बीतने के बाद में स्वप्न मानता है, स्वप्न अवस्था में स्वप्न नहीं मानता। ये बात तो साधारण आदमी की। अब एक साधन करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, भजन करता है, तो वो दो तरह की साधना है। एक भगवान के स्वरूप में स्थित होता है, क्रिया साध्य साधन है, कर्म सहित साधन है। उस साधन में नींद आ गई, नींद से जागते ही अपनी स्थिति को पकड़ लेता है चिंतन को, चिंतन छूटता है सुषुप्ति में और जागते ही उसको पकड़ लेता है। और सिद्धावस्था में छूटता नहीं पकड़ता नहीं, वैसी वैसे होता है। मार्ग की बात है, गहरी बात है, ख्याल में आ गई ना, ख्याल में आएगी नहीं। तो साधक की
साधारण आदमी की समस्या एक सी रहती है, ज्ञान में जागरण में, सुषुप्ति में, जागरण में। पर साधक होता है उसकी स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था में परवस्था रहती है और जागृत अवस्था में स्वस्था रहती है। उसमें पर किसी से ज्ञान करता है और स्वप्न अवस्था में स्वाभाविक रहता है अज्ञान। तो इस वास्ते जैसे कि उत्तम के अस बस मन माही सुप्रीम वाहन पुरुष जग नाही, तो सुप्रीम कोई भी सुख रहता है स्वप्न में दुख नहीं होता उसके, तो स्वप्न में भी दुख नहीं होता। तो इसे सिद्ध किया है कि स्वप्न वो परीक्षा है आपकी परीक्षा है। स्वप्न में भी आप नहीं देखते तो जागृत में नहीं देखोगे, जागृत में दृढ़ता होगी तो स्वप्न में भी दृढ़ता ही रहेगी। स्वप्न में दृढ़ता नहीं रहती है तो जागृत में दृढ़ता नहीं है, कमी है उसमें। वो भक्ति में आता है ना, स्वप्न में दुख नहीं होता, इस उपाय है नहीं। भक्ति बस मई सपने बस लवले संता के राम भक्ति में उन पर जाके दुख लवले सं स्वप्न उठा के, तो स्वप्न में नहीं जाए अच्छी अवस्था है। स्वप्न में होता है तो जागृति में सावधानी की कमी है, स्वप्न अवस्था है सावधानी की परीक्षा। वो स्वाभाविक होता है तो स्वप्न में भी होश नहीं होती तो उसी दृढ़ता है। पतिव्रता के लिए कहा ना स्वप्न वाहन पुरुष जग नाही, स्वप्न में भी तो उसका पतिव्रत दृढ़ है। राम भक्ति पर माही दुख लवलेश स्वप्न उठाई, स्वप्न में दुख लवलेश नहीं होता, राम जी में से सत्य स्वाभाविक। तो साधन अवस्था में स्वप्न में सुषुप्ति में छूटता है, जागृत होते ही उस चिंतन को पकड़ लेता है और वो सिद्ध अवस्था में पकड़ता और पकड़ता छूटता नहीं है, है जी रहता है। ये फर्क है, स्वाभाविक। चिंतन करने से उसकी स्थिति रहती है, बिना चिंतन स्थिति नहीं रहते तो अभी तक स्वरूप में स्थिति नहीं हुई है, अभ्यास है, अभ्यास नहीं है। वो ठीक हो जाएगी फिर अभ्यास नहीं रहेगा, अभ्यास छूट जाएगा, स्वतः से दे देगा। कूट चल सब काम के चल जाएगा, तो बहुत काम की चीज है। तो पूछा है सहज अवस्था क्या है, तो दिया सब साधारण के वास्ते जी, बढ़िया बढ़िया बात हो जीवन में। अब जो जिस भाई ने लिखा है वो भाई समझा के नहीं, जिस भाई ने प्रचार रखा समझे क्या भाई, समझ गया भाई, बड़ी अच्छी बात है। हम माजी से आखिरी बात सुनाओ महाराज जी, अंतिम बात। अब ये पहचान क्या करे, पूछा पहचान थोड़ी होती है उसको, कोई क्या वह है कि सूर्य उदय हो जाए इसकी पहचान क्या है बताओ, क्या पता था कि सूर्य उदय हो गया, बत्ती करो देखो देखो सूर्य उदय हुआ कि नहीं हुआ, बेची जाओ क्या करोगे देखा सूर्य उदय हुआ कि नहीं हुआ। पहचान तो आप सब कर रहे हैं, आप सब गुनापन का अनुभव हो जाने के बाद भी ठंड मोह होता है क्या? ना, ठंड मोह तो होता है तो पहचान नहीं हुई है, एक भावना करी शुरू करके पहचान नहीं हुई। पहचान में क्षण भी मोह नहीं है कभी, यह याद पा न पुनर्मोह में याद से पालना, जिसे जानने के बाद फिर मोह नहीं होता, क्यों मोह नहीं है।
अब भी मोह नहीं है कि उस मोह पकड़ा हुआ है, कृषि में बढ़ावटी है नहीं, इस वजह से निवृत्ति होती है, होगी निवृत्ति, सत्का अभाव नहीं होता, ना भाव विजेते सदा, और मोह का अभाव होता है तो मोह का अभाव है, समझना चाहिए। बोलो भाई, प्रश्न पूछा है ना, मैं पहले आई पूछ रहा है, पूछता है वो जानते नहीं है, प्रश्न पूछना चाहिए जहाँ खटकती हो बात वो, या तो एक पूछा ऐसे ही पूछ लिया। प्रश्न पूछने से पता लगता है प्रश्न करने वाले का, पता लग गया सर, तो एक प्रश्न पूछ लिया। अब वो समझ क्या समझ गए कि अब आशंका नहीं रही, ये समझ गए, शंका ऊपर चली गई, शंका थी ऊपर की मिट गई, है जो जो है पर भीतर में है जो का त्यौहार उस पर शंका करते समय शंका मिटते में कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमारे तो ऐसा प्रतीत होता है, और बोलो कोई बोलो भाई, सबके काम की चीज है, बहनों माताएं भी ध्यान दें तो ये ऐसी अवस्था है, इन लोगों को बताऊं आप देख लो, आप कन्या ही तब अपने मानते, मैं तो कुंवारी कन्या हूँ, विवाहित हूँ, मैं विवाहित हूँ, बेटी की माँ हूँ, आपका अनुभव बदला, हूँ मैं क्या बदला, कन्या हूँ तो ही हूँ, विवाहित हूँ तो ही हूँ, बेटी की माँ हूँ तो ही हूँ, विधवा किसी कारण से हो जाए, भगवान ना करे, पर विधवा हो जाए तो विधवा हूँ, हूँ मैं क्या फर्क पड़ा, सीधी बात है, कुमारा में विवाह में फर्क है, परंतु सत्ता में क्या फर्क है, सत्ता में स्थित होना है सहजावस्था, अरे आगंतुक में स्थित होता है असहजावस्था, कृत्रिम अवस्था, आगुन तू में न हो और है जो ही रहे वो सहजा अवस्था, वो सहज समाधि, बोलो ये किसकी समझ में नहीं आता, ये कहते हम पढ़े लिखे नहीं है, बहनों पढ़ने की पढ़ाई की जरूरत नहीं है, इसमें पढ़ाई करके यही करना है, अपने को भी यही करना है, अरे ये बिना पढ़ाई पढ़ाई हो जाए, पढ़ाई होने से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई से एक बहम और हो जाता है अलग, वो जल्दी वो नहीं पकड़ पाता, सुख से समझे तो मूड जन अर्ध सुख विदुषित जाए, अर्ध दग्ध मति मंद को बिजन सके समझाए, अजला होता है कुछ जानता कुछ नहीं जानता है, तो उसको बिना ब्रह्म जी नहीं समझा सकते, करते अकल काम अज ही गौर आ पड़ी, आ काम नहीं करती अज गैल अर्सन आ पड़ी, अज गैला भजन अज गैला भजन, एक तो पागल हुआ है, एक अज पागल हुआ है, एक बिल्कुल सावधान है, तो अज पागल है तो पागल है तो गाल देगा, सिर बाप पागल है, मैं क्यों पागल हूँ, दबाई नहीं रहेगा वो, मैं पागल हूँ ही नहीं, तो वो अज गहरा है, अज पागल है, अज गहरा हुआ आदमी काम पड़ जाए तो वो काम नहीं करता, कुछ कुछ संशय कुछ दुष्टता, कुछ संशय कुछ ज्ञान, कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता, कुछ संशय कुछ ज्ञान, घर का रहन घाट का जू धोबी का स्वान, ये आदमी समझता है, सुख से समझे तो वो भी जाना सुख कहते ठीक है, एक संत आए जो एक एक राजकन्या थी, एक मंत्री की कन्या थी, दोनों साथ खेलती, साथ ही बड़ी हुई, तो वहाँ एक संत आए, उन्होंने कहा कि बेटा तुम भगवान का पूजन किया करो, महाराज कैसे करो, तो वो स्वयं करते थे शारदाम जी की पूजा, शारदाम जी पूजा करते तो बच्ची बालिका है आगे मन में कि महाराज हमारे को हम पूजा करेगी, कि तुम क्या जानोगे क्या करोगे हम भी पूजा करेगी, तो उनका भाव था अच्छा सद्भाव था मन में, तो उनको दे दिया एक पत्थर दे दिया, मुझे शारदाम जी इसकी पूजा करो, ये भगवान है, तो वो सालगंध सालगंध भूल गई, और वो उसे सिर पिल्ला
शिला का पिल्ला, कुत्ते का पिल्ला होता है ना, जैसे सिर पिल्ला है, हमारे सिर पिल्ला भगवान, पर भाव ऐसा हो गया कि महाराज पूजन करते वो हमारे सिर पिल्ला है, ऐसे पूजन करते विवाह होने पर उनकी पूजन करे, उनमें तल्लीन रहे, भावनी थी तो भी साथ में उनको साथ में लिया, मियां भाई की तरह उसी साथ में विवाह हो गया, उसी पर रहा, तो एक बीच में ठहरे भक्त मार्ग के साथ ही बीच में ठहरे एक नदी के किनारे, तो पति को बात सुहाई नहीं, तो पति नदी में फैल गया। अब छोटी बाल का बेचारी, अब जवान भी हो गई, तो स्त्री स्वतः लज्जा एक होती चीज, और करे क्या, पर बसता है, अब फेंक दे क्या करे, चुप हो गई, परंतु गई तो खाना पीना छोड़ दिया उसने, कि हमारे सिलपिल्ला, हमारा सिलपिल्ला, सिलपिल्ला सारी हम नाम भूल गई, सिलपिल्ला याद हो गया, अब खाना पिया ही नहीं, तो सास सब समझे अब क्या करे, तो बहू आई नहीं, वो खाती उसने नहीं खाती, कितने चलेगी खाना पीने बिना सही कैसे रहेगा, उनकी बड़ी चिंता हुई, सिलपिल्ला सिलपिल्ला करे कभी, तो बात क्या हुई, फिर मालूम हुआ पति लिया, मैंने फेंक दिया उसको, सिलपिल्ला था उसको कहाँ फेंक दिया भगवान नदी में, वो सिलपिल्ला सिलपिल्ला करे, तो फिर इसको मिलाओ उसी गली के किनारे के नदी के, और सिलपिल्ला सिलपिल्ला सुन गया, अच्छा आ गया हृदय पर आ गए, वो सिलपिल्ला सुन आ गए, खुश हो गई, पसंद हो गई, फिर खाना बना सब ठीक रहेगा उसका, तो नाम नहीं आता शाराम जी, परंतु भाव उसका के ये हमारे सुदेव है, हमारे महाराज ने दिया है, संतों पूज्य भाव था, जो पूजन करते थे उनके प्रति पूज्य भाव था, उन्होंने पूजन दिया है, भगवान है साक्षात, ऐसा हो गया भाव, तब शिल्पा हो शिल्पला हो शाराम जी, साक्षात मूर्ति का काम नहीं हो, ऐसा मूर्ति को काम हो गया उनका, भक्त मातु कथा थी, तो भगवान जाके आदि अंत जन अंत के सारे कार्य सोए, जही जो धेरे तही दिख प्रकट हो, जहाँ ये निष्ठा कर लेता वही भगवान प्रकट हो जाते, क्यों भगवान तो सब में है ही, निष्ठा में हमारी कमी है, खंभे में से भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए, तो खंभा हमारा नहीं है, हम नहीं है, क्या नहीं है, वो विश्वास नहीं है, राक्षस के घर के खंभे के पैसा अपना खंभा सुन दिए, प्रहलाद जी का विश्वास और विश्वास नहीं है, तो सिलपिल्ला भगवान का नाम थोड़ी कहीं सहसा नाम लेकिन सिलपिल्ला नाम नहीं मिलेगा, परंतु वो राजकुमारी प्रसन्न हो गया, हमारे इष्ट नहीं मिलेंगे, हमारे इष्ट मिलेंगे, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, हमारे भगवान मिल गए, भगवान राजी हो गए, वो भक्त हो गई, उसी मामूल नहीं रही, वो साधारण महिला नहीं रही, भगवान की भक्ति, मेरे भगवान है, भगवान की मैं हूँ, भाव ही देता है, भाव हो गया, इसी बात तो वो हो गया, क्या जो होना पड़ा आपका नित्य है, वो नित्य होना पर उस भगवान के साथ मिल गया, अब जिस जाने में वो नहीं होते, फिर वो सिलपिल्ला नाम से ही हो गए, हो गए हो गए हो गए हो गए, इतनी बढ़िया बात है, स्वतः है ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है, 31वां 13वां अध्याय, अनित्व अनादित्व निर्गुणत्व परमा आत्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप गौते न करोति न लिप्यते, वो लिप्त नहीं होता, करता नहीं बनता है, पशु पक्षी राक्षस असुर बन जाए तो जो उसे सत्ता रूप से है वो असुर नहीं बनता है, वो राक्षस नहीं बनता है, न देवता बनता है, न पशु बनता है, न पक्षी बनता है, वो तो है जो अपने स्वरूप में रहता है, जब ख्याल कर तो स्वरूप मिल जाएगा,
रसूल रसूल को देवता को ज्ञानी को अज्ञानी को सबको वो प्राप्त हो तो वो है जो उसे प्राप्त हो जाएगा। यही बात है, इतनी बात कितनी बढ़िया बात है। मैं तो माता हूँ किसी की हिम्मत हो और जो कुछ संदेह हो तो बोलो भाई। सत्य स्वभाव जो है वो है, उसमें ना स्त्री है ना पुरुष है, ना देवता है ना राक्षस है, ना असुर है ना सुर है, ना भूत है ना प्रेत है। ये बाहरी चोरी में है, बहन किस रंग का कपड़ा पहन रहे है वो बहन भी थोड़ी होती है। आप कोट कुर्ता तरह तरह का पहन लो, आप दूसरे जैसे हो गया। ऐसे सही दूसरे धारण करने से दूसरा सही हो जाते, वो तो वो का वही रहता है, वही सत्ता है। मैं एक बात क्या करता हूँ, अगर शरीर के साथ वो मर जाए तो पाप ही कट जाए, सब काम ठीक हो जाए, पर मरता है नहीं, शरीर रहता है नहीं, ये आपत है। चाहे तो शरीर शरीर मरे जो स्वयं मर जाए, अथवा शरीर से अलग अपने का अनुभव हो जाए तो आपस मर जाए, मर जाए तो आपस कुछ है क्यों, जन्म कौन रहेगा, कर्म कौन भोगेगा, मर जाए तो कुछ बोला हो गया। मन स्वयं तो रहता है, शरीर रहता नहीं। अब ये शरीर को अमर करना चाहता है, ये गलती होती है। स्वयं मरने से भय होता है, गलती होती है। स्वयं मरता है नहीं और शरीर अमर रहता है नहीं, शरीर के साथ एकात होता है अमर मान करके। जैसे बालकपन में बालकपन के साथ एकात्म कर रही, युवा अवस्था में जवान अवस्था के साथ एकता कर रही, वृद्धावस्था में वृद्धावस्था के साथ अपनी एकता मान रही। ये बिल्कुल बदले, आप बदला नहीं और बदले सर हाँ में हाँ मिला दे। जैसे मैं कहा है ना, जैसे आप हो तो मैं बाप हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं पोता हूँ, ये आप नहीं हो, किंतु सामने जो बेटा है उसके सामने आप बाप हो, और अपने बाप के सामने आप बेटा हो। आप कौन हो, आप है सत्ता हो, आप किसी साथ मिला लो, आप उसकी सत्ता हुआ, ना बाप हुआ ना बेटा हुआ ना दादा हुआ ना नाम ना ना चाचा, तब कुछ नहीं हुआ, है सत्ता रही। इसका नाम बोध है, इसको ज्ञान कैसे साथ मिलकर अपने ताऊ चाचा पोता बेटा दादा मान लिया, ये अज्ञान है। इस वास्ते कोई कहता से मेरी सही है तो मेरा कर्ण करना चाहिए, उसको मेरे कर्ण करना चाहिए, तो तुम जब हक लगा तो मेरी सी है, इस बेटा भी हक लगा तो मेरी माँ है, निस्संदेह बात है। वो लड़की का पिता है, मेरी प्यारी पुत्री है, ये बेटी है मेरी। तो आप पति होकर के हक लगा सकते हो, ये गलती होती। बड़ी सीधी बात, बहुत सरल किया कर्मयोग की बात, बहुत सीधी तत्व ज्ञान की बात है। आप पति हो तो पति पने में संदेह आप मत रखो, और पति के कर्तव्य उसमें कभी चुत मत हो, अपने कर्तव्य का पूर्ण पालन करो, इस वास्ते आप पति हो, न कि पत्नी मेरा कहना करे मेरे हुक्म चले, इस वास्ते पत्नी नहीं है। माँ होकर बेटे के सामने जाएगी तो माँ का कर्तव्य, बेटे का अपना कर्तव्य माँ की सेवा करना है, माँ की प्रसन्नता लेनी है। सपूत से सपूत पुत्र हो, ऐसा पुत्र बनो तुम माँ के सामने, तो अपनी तरफ से सेवा करने का तो है बात सच्ची, हक लगा देना है कच्ची झूठी बात, ये समझ में आई नहीं पता नहीं। बहुत सीधी बात है, बड़ी सरल बात है। आप इकेला हक किसने लगाते हो, सेवा करना हक पूरा आपका है, इसमें कोई बात नहीं है। पति हो तो पति पने की सेवा आप कर सको, आप जिम्मेवारी नहीं करते तो गलती होती है आपकी, पर अधिकार जमाते हो ये गलती होती है। आप अधिकार जमाते हो क्या, बेटे का अधिकार नहीं है, वही अपनी माँ को माँ मानता है, गोदी में बैठा मेरी माँ है, कोई हटा नहीं सकता, कोई ना कह नहीं सकता। बाप आया तो मेरी प्यारी पुत्री है,
भाई आएगा तो भी सिर पढ़ा देगा बेटा ऐसे ऐसे भाई मेरी बहन है। तो बहन के प्रति आपका कर्तव्य पूरा पालन करो, बहन बड़ा करके बहन मेरा ही कहना करे ये गलती की बात है। तुम अपने कर्तव्य पालन करो, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सीधी बात है। इनको संकोच बोलो स्वीकार में अभी रहता संस्कृति लगते मेरा, कितनी सुगम बात है। आपको पता है ये कठिन नहीं है, सुगम है, बड़ी मार्मिक बात है। ये कितनी सुगम है, आप किसी की समझ में आए तो बोलो भाई। अपने शिष्य के साथ संबंध आप मानते हो, जिसको आप माँ मानते हो, तो सुपुत से सुपुत पुत्र बन जाओ। माँ की जैसे सेवा करना चाहिए, श्रवण वर्ण माँ बाप की सेवा करता था, वैसे राम जी पिताजी के वचन टालने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है। अग्नि में कूद सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ, सीता का त्याग कर सकता हूँ, मैं पिता के वचनों को टाल नहीं सकता। तो पुत्र का धर्म पिता के वचनों को न टालने का ही है। इसलिए आप प्रस्ताव करो तत्व के जीवन मुक्त हो जाओगे, क्या फर्क रहेगा बताओ। स्वकर्म तो शेष में कर्म है, अपना अपना काम ठीक करो। पत्नी है तो पति के लिए सुपात्र पत्नी हो, पतिव्रता पत्नी हो, इस तरह का बर्ताव पति के साथ करो। पर ये थोड़ा ही पति के साथ करो, बेटे के साथ ना करवाए कैसे होगा। बेटा आशा रहता है कि माँ से माँ की सेवा करता है तो माँ पढ़े की आशा रखता है, नहीं माँ है। ऐसे वो भी पति रखता है, पति पढ़े कैसा है, परंतु आशा रखना वो तो आशा ही परम दुख। अगर अपने कर्तव्य का पालन करना बढ़िया है, तुम्हारी माँ है तो सपूत से सपूत बेटा जैसे काम करे ऐसे माँ के साथ काम करो। और पति हो तो पति सतपति जैसे अपनी स्त्री के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, उत्तम से उत्तम बर्ताव करो, इसके लिए सतपति हो। गलती क्या होती है, दूसरों पर छापा मारते हैं ये हमारा कहना करे, ये गलती होती है। वो किस किस को करेगी ना, सबको कहना कैसे करेगी। अपने संबंधों आप संबंध के अनुसार तो काम करना चाहिए करती है, किसी एक कैसे बन जाएगी। किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी की भाभी नहीं है, किसी की नानी नहीं है, किसी की चाची नहीं है, किसी की ताई नहीं है, किसी की दोहिती नहीं है, किसी की भांजी नहीं है, क्या वो आपके साथ कैसे करेंगे। आपके संबंध के अनुसार आपकी सेवा कर रहा ये उसका कर्तव्य है, कितनी सरल बात है। पढ़ाई के बिना समझ सकती है, पढ़ाई से समझो, पढ़ाई बिल्कुल एक अक्षर ज्ञान नहीं हो ये बात समझ आएगी, निहाल हो जाएगी बिना पढ़े पढ़े बिना पढ़े। ये ब्रह्म विद्या है, सब विद्याओं सूची विद्या है, ऐसी ही सरल बात है, कैसी बढ़िया बात है। आपके समझ में कोई भाई बोलो, अब इसको काम में लाना है, अपना संबंध है उसके अनुसार उसकी सेवा करो। स्वकर्मणा तमभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानव, मां ब्राह्मण भी लिखा है सिद्धि विन्दति ब्राह्मण सिद्धि विन्दति मानव मनुष्य मास। अपना अपना कर्तव्य बहुत सही है सबका ही, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा सबका, उससे ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाएगी। नारायण।